चलिए शुरू करते हैं। मैंने सेशन को रिकॉर्ड कर लिया है। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो आज हम बात कर रहे हैं VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग के ऊपर, और VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग को शुरू करेंगे। हमने इससे प्रीवियस क्लासेस में आपके साथ बात की थी कि किस तरीके से हम माइक्रो को रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्डिंग माइक्रो कैसे हम हेल्प में लेते हैं, राइट? और किस तरह से लर्निंग पीरियड में या फिर हम माइक्रोज बनाते समय हमें माइक्रो टाइप करने से बचाता है रिकॉर्डिंग माइक्रो। अब बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम किसकी, माइक्रोज की। तो हमने डेवलपर टैब लेके आ गए। डेवलपर टैब में हमने माइक्रो सिक्योरिटी को एनेबल कर लिया है। एनेबल करने के बाद हमने फाइल को सेव कर लिया है किसमें, माइक्रो एनेबल वर्कबुक। ध्यान रखिएगा, ये जरूरी है। अगर फाइल सेव ना करेंगे तो सारी वीडियो आपको जब गलती से बाद में सेव करते समय गलती से एक्सेल वर्कबुक सेलेक्ट हो गया तो सारे के सारे कोडिंग डिलीट हो जाएंगे। सो पहले आप कर ले इसको माइक्रो एनेबल वर्कबुक। ये तीन चार चीज़ें करने के बाद हम डेवलपर में विजुअल बेसिक पे क्लिक करेंगे, और जानते हैं विजुअल बेसिक एक्सेल के साथ इनबिल्ड है, इसको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। विजुअल बेसिक पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का विंडो आता है। इसमें आपको प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर एंड प्रॉपर्टीज दोनों होने चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि ये नहीं होता है। अगर ये नहीं है तो आप क्या करें, यहाँ आपके सामने एक आइकन दिख रहा है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर का, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+R। इस पर क्लिक कीजिए। अदरवाइज ये हैंड का निशान बना हुआ है, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं प्रॉपर्टीज के लिए। अदरवाइज आप व्यू में जाके भी ला सकते हैं। ये दो चीज़ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, नेविगेशन के लिए, क्योंकि आप जब प्रोग्रामिंग करेंगे वो किसी न किसी एक फाइल पे ही करेंगे। तो अब यहाँ पे चलो एक फाइल ओपन है इसलिए बुक वन दिख रहा है, लेकिन जब आप रियल लाइफ में प्रॉब्लम ऑफिस की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आपके पास कई सारे फाइल खुले होंगे। तो उस फाइल पे नेविगेट करने के लिए यहाँ जितने फाइल लिस्ट खुले होंगे, जितने फाइल खुले होंगे उसका लिस्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे आप जाइए किस फाइल पे करना है, और आप हमेशा कोडिंग यहाँ पे जो सीट नेम दिख रहे हैं ना, हमेशा जो कोडिंग है वो किसी सीट के ऊपर डबल क्लिक करके नहीं करते हैं। हालांकि मैं यहाँ कर सकता हूँ, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर किसी ने सीट को डिलीट किया, यहाँ पे कई सारे सीट है, अगर सीट को किसी ने डिलीट कर दिया तो आपके कोड डिलीट हो जाएंगे, और आए दिन हमारे सीट्स डिलीट होते रहते हैं। इसलिए सीट पे डबल क्लिक या दिस वर्कबुक पे डबल क्लिक करके ना करेंगे, क्योंकि दूसरा प्रॉब्लम होता है कि हम दूसरे फाइल से तीसरे फाइल से हम रेफरेंसेस लेते हैं तो उस रेफरेंसेस में प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहाँ पे भी हम यहाँ ध्यान रखेंगे कि इस तरह की चीज़ें ना करें। तो हम कोडिंग कहाँ करेंगे, हम इंसर्ट करेंगे मॉड्यूल। हम क्या इंसर्ट करेंगे, मॉड्यूल को इंसर्ट करेंगे, और जो भी कोडिंग करना है हमें इस मॉड्यूल में करेंगे। इसमें करने से फायदा ये होता है कि आपका जो माइक्रोज है वो आपकी फाइल की प्रॉपर्टी में सेव होता है, और फाइल की प्रॉपर्टी में सेव होने के साथ साथ ये आपके किसी भी फाइल के साथ इजीली रेफरेंस क्रिएट कर लेता है। इसलिए इसमें करेंगे। अब बात करते हैं माइक्रो डिक्लेरेशंस के लिए कि माइक्रो को डिक्लेयर कैसे करेंगे। तो यहाँ हम देते हैं सब्जेक्ट, हम पब्लिक सब या सब लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ देते हैं माइक्रो _1 ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब जो फाइल के यहाँ पे जो माइक्रो नेम लिखेंगे, इसमें ध्यान रखिएगा कि इसके बीच में डॉट डेसिमल कॉमा स्टार इस तरह के चीजें ना हो। स्पेशल करेक्टर में सिर्फ आप अंडरस्कोर दे सकते हो। क्या दे सकते हैं, जस्ट अंडरस्कोर, इसके अलावा हम कुछ और नहीं दे सकते, राइट? हाँ, इसमें तीन डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नहीं दीजिएगा, जो पहले से डिफाइन माइक्रो नेम में उम्र मत वो मत दीजिएगा।
अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि हम प्रोग्रामिंग करें कैसे, क्या लिखें। देखिए VVA में मेनली चार ऑब्जेक्ट होते हैं जिससे हम कोड स्टार्ट करते हैं। पहला होता है एप्लीकेशन, दूसरा होता है वर्क बॉक्स, तीसरा होता है शीट्स, चौथा होता है रेंज। अब इसमें से कौन सा लेना है वो डिपेंड करता है आपकी एल्गोरिदम पे। अब एल्गोरिदम क्या है, चलिए हम एल्गोरिदम मतलब कि प्रोसेस, जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसका एक प्रोसेस डिफाइन करते हैं। बहुत सारे लोग इसको नोटपैड पे या फिर पेन पेंसिल से कॉपी पे डिफाइन कर लेते हैं, कुछ लोग इसको दिमाग में डिफाइन करते हैं, लेकिन फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम पे कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरा मुझे क्या करना है, हम यहाँ पे लिखते हैं स्टार्ट, हम यहाँ पे माइक्रो को डिक्लेयर किए, उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे करना है यहाँ पे क्रिएट ए फाइल नेम एज ए डेटा इन ई ड्राइव 2021, राइट सर। हमें एक फाइल क्रिएट करना है डेटा नाम से 2021 में, उसके बाद एड शीट्स नेम ऑल्सो डेटा सेलेक्ट A1 एंटर नेम सेलेक्ट V1 एंटर रोल सेलेक्ट C1 एंटर मार्क्स और यहाँ पे एक छोटा सा एल्गोरिदम हमने बनाया है। एक काम करना है, मतलब सबसे पहले हमें कंट्रोल एन क्या करना होता था, कंट्रोल एन करना है, फिर उस फाइल को सेव करना है डेटा नाम से ई ड्राइव के 2021 फोल्डर में, फिर उस फाइल के अंदर एक नई शीट ऐड करना है, उसका नाम होना चाहिए डेटा, फिर हम A1 पे कर्सर रखेंगे उस पर नेम लिखेंगे, B1 पे कर्सर रखेंगे उसको रोल नंबर लिखेंगे, C1 पे कर्सर रखेंगे और उसमें मार्क्स लिखेंगे। अब आपको ये थोड़ा सा बचकाना लग रहा होगा, ये बच्चों वाली चीज़ें हैं, A+ B+C+। देखिए ऐसा इसलिए एल्गोरिदम इम्पोर्टेंट है क्योंकि एल्गोरिदम पे ही आपका स्पीड और आपकी एक्यूरेसी और आपका प्रोग्राम डिपेंड करता है। क्या है कि मान लीजिए कि आप जिस माइक्रो पे काम करते हैं, जिस फाइल पे आप काम करते हैं, उस फाइल का सारा प्रोसेस आपको पता है, यू कैन क्रिएटेड ईजली क्योंकि सारा प्रोसेस दिमाग में। इसी तरह से अगर आपने किसी ने आपको कोई काम दिया कि भाई ये मेरा रिपोर्ट है इसको ऑटो कर दो, वो बताएगा कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ से डेटा लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ये कंडीशन लगाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ, तो क्या होगा, आपको सब कुछ याद तो नहीं रहेगा। हो सकता है कि आपको पिवट लगाने के लिए बोला गया हो और आपने पिवट लगाने का कोड लिखा और आप भूल गए कि भाई पिवट से पहले हमें फलाना टाइप का डेटा सेलेक्ट करना है, तो आपने पिवट का कोड पहले लिख दिया और डेटा का कोड आप बाद में लिख रहे हैं, तो गड़बड़ हो जाएगी ना मैम। पहले हमें डेटा सेलेक्ट करके तब पिवट लगाना है ना, जैसे यही पे देखिए ना कि पहले हम B1 पे कर्सर रखेंगे देन रोल नंबर टाइप करेंगे ना, अगर पहले रोल नंबर टाइप करके कर्सर इस पे रखेंगे तो जहां पे कर्सर होगा वहीं पे टाइप हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, इसलिए इस तरह की एल्गोरिथम हम डिजाइन करते हैं ताकि सामने वाले पर्सन का पूरा रिक्वायरमेंट हम एक वे में एक तरीके से एक एल्गो में हम उसका डिजाइन कर लें, देन इसके अकॉर्डिंग हम कोड करेंगे। अब एल्गोरिथम हमने देख लिया, चलिए इसके अकॉर्डिंग कोड करते हैं और इस चीज़ से हम सीखेंगे कि कैसे हम चूज करेंगे कि इन चारों में से कौन सा होना चाहिए, किससे स्टार्ट करें हम माइक्रो। तो सबसे पहले बात कर रहा है क्रिएट ए फाइल, मतलब एक नई फाइल को क्रिएट करना है। तो एक्सेल में फाइल इज, देखिए सॉफ्टवेयर इज ए एप्लीकेशन, फाइल इज ए वर्कबुक, जो शीट्स एज ए शीट्स और A1 B1 C1 जो हमारा रेंज होता है, सेल होता है सेल एज ए रेंज, राइट। तो हमने यहाँ पे रिदम कहता है क्रिएट ए फाइल, मतलब कि हम एक फाइल को इफेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि वर्कबुक को इफेक्ट कर रहे हैं, तो कोड यहाँ हम वर्कबुक से स्टार्ट करेंगे, राइट।
वर्कबुक्स, ए हमारा हो गया वर्कबुक्स ऑब्जेक्ट। अब इसमें हमें मेंबर देना है, मतलब कि करना क्या है वर्कबुक में, तो हमें एक ऐड करना है, हमने ऐड कर दिया। और हमें पहले से पता है कि इसका नेम क्या है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं ऐड करने के बाद फिर वो सेव एज का कोड डालते हैं, राइट। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, मैं मुझे पता है कि मेरा फाइल का नेम क्या हो, तो ऐड करते समय हम यहाँ पे सेव एज का कोड डाल देंगे। कहाँ पे? ई ड्राइव के अंदर 2021/data1.xls। डेटा वन से ज़्यादा, क्योंकि डेटा नाम तो ऑलरेडी फाइल है हमारे पास, क्रिएट है, सॉरी समझ में आया आपको मैम। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया मेंबर, ये हो गया सब मेंबर, और ये क्या हो गया मेंबर डिटेल, राइट। कहाँ पे? ऊपर वाली लाइन में हमने सब, बोलिए कि ऊपर वाली लाइन में हमने सब t_1 क्यों लिखा है? यहाँ नाम लिखना पड़ेगा ना, माइक्रो का नाम तो देना होगा ना आपको, कोड ऐसे थोड़ी लिख देंगे कोड। अच्छा, मतलब यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं एंड उसको? जी हाँ, मैंने आपको ऊपर समझाया ना कि नाम में आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट डॉट डैश कॉमा प्लस माइनस ऐसी चीजें नहीं लिख सकते। एंड इसको क्लोज पेरेंथेसिस के अंदर ही करना पड़ेगा, मतलब जी जी जी, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। और जैसे करेंगे एंड सब होगा, अब जो भी कोडिंग होगी एंड सब की होगी, क्योंकि इसे रन करने के लिए यहाँ जब माइक्रोज पे जाएंगे तो देखिए दो माइक्रो आ गया, पहला माइक्रो ऊपर डिफाइन किया था माइक्रो वन और दूसरा t_1, समझ गए। तो जितने सब्जेक्ट देंगे, जैसे मान लीजिए मुझे तीसरा माइक्रो बनाना है, तो सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे दे दिया टेस्ट, टेस्ट ब्रैकेट ओपन, राइट। अब यहाँ पे टेस्ट नाम का माइक्रो आ गया माइक्रो लिस्ट में, आ गया मैम। यहां पे मुझे चौथा माइक्रो देना है सब्जेक्ट पूजा, तो पूजा नाम का माइक्रो यहां पे आ गया, शुक्र है पूजा नाम की कोई लड़की नहीं बनना, कभी सर नाम मेरा गलत लिखे, आ गया पूजा, ठीक है। तो जो भी देंगे अब जितने तरह के काम है उसके लिए, जैसे काम के हिसाब से कि आपको रिपोर्ट बनाना है, मैक्रोज बनाना है, एक काम के लिए एक मैक्रो। जैसे मुझे मान लीजिए कि मैं फलाना रिपोर्ट के लिए मुझे फलाना काम करना है, तो उसके लिए आपको एक मैक्रो, दूसरे काम के लिए करना है तो दूसरा मैक्रो, तीसरे काम करने के लिए तीसरा मैक्रो, ठीक है। समझ गए? अब तो कंफ्यूजन नहीं है ना कि हमने t_1 कौन दिया, राइट? नहीं नहीं, अब इसमें जो अगला ऑप्शन आता है, हमने पहला कर लिया, दूसरा आता है सीट को ऐड करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे शीट्स डॉट, क्योंकि सीट को इफेक्ट कर रहा है तो सीट देंगे शीट्स डॉट ऐड। फिर यहाँ पे मुझे नेम चाहिए, तो मैं नीचे मैं एक्टिव शीट को रीनेम कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे डायरेक्ट नाम पता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ कर देंगे नेम इक्वल टू डेटा। अब बोलेंगे कि यहाँ पे हमने दिया क्या बोलते हैं स्पेस दिया है, यहाँ पे हम इक्वल क्यों दिए? जो मेंबर होते हैं ना मैम, मेंबर दो तरह के होते हैं, मेथड एंड प्रॉपर्टी। तो मेथड जो होता है उसमें स्पेस लगता है, प्रॉपर्टीज में इक्वल लगता है। कैसे पता चलता है? जैसे मेथड लिखेंगे स्पेस देंगे तो नीचे एक्सप्रेशन आ जाएगा, आ गया, प्रॉपर्टीज में आपको नहीं आएगा, इसका मतलब है कि हमें इक्वल देना है, राइट। अब इसमें हम करते हैं रेंज A1, अब मुझे A1 को सिलेक्ट करना, मैं एक क्लिक करना है, रेंज से रिलेटेड है, सेल से रिलेटेड है, तो रेंज A1.सेलेक्ट, और यहां पे एक्टिव जिस पे सिलेक्ट है वही एक्टिव सीट है, एक्टिव सेल डॉट वैल्यू, तो टाइप जो होता है वो वैल्यू होता है, सेल का वैल्यू कहलाता है, वैल्यू इक्वल टू
मेन। तो इस तरह से हम कोड को डिसाइड करते हैं कि हम किस क्या लिखे, समझे मैम? v1 c1 और यहां पे रोल और यहां पे मार्क्स। तो हमने देखा कि एक फाइल पे काम करने वाला है, तो हमने वर्कबुक से शुरू किया। काम करना है तो ऐड करना है, ऐड के साथ साथ सेव भी करना है। कहाँ करना है, हमने लोकेशन दे दिया। ओके तो उसी तरह से हम सीट पे, तो ये जो एल्गोरिथम हमें बताता है कि इन चारों में से हम क्या सिलेक्ट, राइट और लास्ट में जब आपका माइक्रो खत्म हो तो कंफर्मेशन के लिए हम मैसेज देते हैं msg pox, यहां लिखते हैं वर्क इज डन। ठीक है, वर्क इज डन, तो लास्ट में मैसेज देगा। अब इसको चलाना है आपको, तो यहां माइक्रोज में जाके t_1 करके आप रन कर दीजिए। वर्क इज डन हो गया, डेटा वन नाम का फाइल आ गया, डेटा नाम की सीट आ गया और यहां पे लिखा गया और मैसेज भी आ गया वर्क इज डन। क्लियर है? तो आपको समझ में आया कि हम प्रोग्राम लिखना कैसे शुरू करेंगे? यस। कोई कंफ्यूजन तो इसमें नहीं है? नहीं। तो प्रोग्राम लिखने से पहले तैयार करना है एल्गोरिदम, चाहे आप एक्सेल सीट पे करें या नोटपैड में करें या पेन कागज पे करें या अपने दिमाग में करें। लेकिन शुरुआत में हम बोलेंगे कि इसको आप अपने एक डायरी लिखें और डायरी में करें और इसके सामने इसका कोड लिखते चले, राइट? और जिसका कोड आपको ना पता है आप उसी समय रिसर्च कर लें कि इसका कोड क्या होगा। अब यहाँ आके हम कोड रिसर्च करेंगे ना तो कन्फ्यूजन होगी। मान लीजिए कि कोई काम का कोड नहीं पता मुझे, तो इससे ऊपर के सारे, मान लीजिए ना मुझे मैसेज देने का कोड पता नहीं है, तो इससे ऊपर का चीज़ें तो हमारा मेहनत व्यर्थ हो गया ना। सो पहले यहाँ पे हम कोड, सबका कोड यहाँ लिख लेंगे पेन पेंसिल से और इससे पता चल जाएगा हमें कि किसका कोड नहीं पता है। देन उस कोड का हम रिसर्च करेंगे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से और जब उसका कोड पता चल जाएगा देन वी हैव मेक इट, समझे? क्योंकि कोई भी प्रोग्राम बनाने का, जब भी प्रोग्राम का बनाने का प्रोसेस होता है, पहला होता है एनालिसिस, दूसरा होता है एल्गोरिदम, तीसरा होता है कोडिंग, चौथा होता है टेस्टिंग, टेस्टिंग के साथ होता है रीकोडिंग, अगर कोई एरर आया तो उसके बाद रीटेस्ट, राइट? उसके बाद हम करते हैं अप्लाई। ये जो है आपके टोटल 5 प्रोसीजर होते हैं। एनालिसिस की हमने प्रॉब्लम को समझा, समझ के एक शॉर्ट वे निकाला कि इसका सबसे छोटा तरीका क्या होगा। देन हमने उसकी एल्गोरिथम तैयार की, मैंने कि स्टेप तैयार किया, उसके बाद हमने उसकी कोडिंग की, देन उस कोड को हमने टेस्ट किया, अगर कोई एरर आया देन रिकोड देन रीटेस्ट। ये रिकोड रीटेस्ट रिकोड रीटेस्ट तब तक चलता रहेगा जबकि टेस्ट ओके नहीं हो जाता है, देन अप्लाई। ओके मैम? यस। ये हमारा होता है कोडिंग का पार्ट। अब चलिए हम बात करते वन बाय वन बात करते हैं। अभी जो है, अब मैं कोड यहाँ पे आपको अभी जो चीजें बताने जा रहा हूँ वो कोई माइक्रोज नहीं है, जस्ट एक्सप्लेन द कोड। उसको आप रन नहीं कर सकते, एक एक करके रन करना होगा। रन करते भी है तो आपको एक एक करके करना पड़ेगा। जैसे क्योंकि कोई फाइल इंसर्ट करनी है तो हम यहाँ लिखेंगे workbooks.add। अगर उसी फाइल को सेव करना है तो अगर आपको सेव एज करना है, मतलब कि नाम देना है, अगर फाइल का नाम पता है तो आप लिखेंगे workbooks, यहां पे लिखेंगे
बुक वन उसका एक्सटेंशन डॉट एक्सएलएस एम एक्सएलएस एक्स जो भी है डॉट सेव एज, और कहाँ सेव करना है, ई ड्राइव के अंदर 2021 में, वन टू डॉट एक्सएलएस या जो भी नाम दे दीजिए आप, ठीक है। लेकिन पता है कि जो फाइल ऐड हुई है उसी को सेव करना है, तो हर बार बुक वन तो नहीं ना होगी मैम, एवरी टाइम द डिफरेंट टाइम बुक वन बुक टू बुक थ्री। तो अगर आपको पता नहीं है कि उसका एग्जैक्ट नाम क्या है, बट इतना पता है कि ही इज एक्टिवेट, फाइल इज एक्टिवेट, क्यों, क्योंकि जो हमारा फाइल ओपन हुआ है वही एक्टिवेट है, जाहिर सी बात है ना, आप यहाँ पे कंट्रोल एन करते हैं तो जो फाइल ऐड होती है वही एक्टिवेट होती है ना सामने, क्या मैम? यस। तो यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा, इस सारा कोड हम किस पे डाल देंगे, एक्टिव वर्कबुक। देखिए वर्कबुक्स या एक्टिव वर्कबुक लेते हैं कब लेते हैं, सिचुएशन समझ लीजिए, एक्टिव वर्कबुक। तो ये आपके जो यहाँ पे वर्कबुक्स का जो सेकेंड पार्ट होता है वो होता है एक्टिव वर्कबुक। तो एक्टिव वर्कबुक लेंगे या वर्कबुक लेंगे, बाकी डॉट के बाद का जो कमांड है दोनों पे सेम चलता है, जैसे डॉट सेव डॉट ओपन डॉट क्लोज सब पे सेम चलता है, बट वर्कबुक कब लेना है, जब आपको उसका एक नाम पता है। वर्कबुक कब लेना है, जब एक नाम पता है। और एक्टिव वर्कबुक कब लेना है, जब जो फाइल आपकी एक्टिवेटेड है, राइट, क्लियर है? यस। दोनों में से क्या सिलेक्ट करना है आपको, आप पे डिपेंड करता है। अब वर्कबुक को हमने ऐड कर लिया, हमने वर्कबुक को सेव एज कर लिया, राइट। अब वर्कबुक मेरे पास ऐड नया वर्कबुक नहीं चाहिए, पुराना कोई वर्कबुक बड़ा है उसको ओपन करना है, तो वर्कबुक्स डॉट ओपन, और कहां से ओपन करना है उसका पाथ आप दे दीजिए, जो पाथ आपके फाइल का है। अब फाइल ओपन हुई तो क्लोज भी होगी, तो क्लोज अगर फाइल का नाम पता है तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे वर्कबुक्स और इसके अंदर में कि भाई इन्वर्टेड कॉमा में कि वन टू थ्री डॉट एक्सएलएस डॉट क्लोज, ठीक है, राइट मैम, डॉट क्लोज। अब यहाँ पे ए हो गया, डॉट क्लोज हो गया हमारा। अब यहाँ पे अगला जो बात हम करते हैं वो करते हैं कि हमें फाइल का नेम नहीं पता है, बट जब इतना पता है कि वो एक्टिवेटेड है तो क्या लिखेंगे, एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज, और लास्ट में ट्रू एंड फॉल्स देते हैं। ट्रू क्यों देंगे, अगर जब कोई फाइल को जब सेव करते हैं तो पूछता है डू वांट टू सेव, राइट, यस पे क्लिक करना है तो आपको ट्रू कीजिए, नो पे करना है तो फॉल्स कीजिए। हमने फाइल को ऐड कर ली, फाइल को सेव एज, अगर जब सेव करना है तो एक्टिव वर्क डॉट सेव, या फिर आप ये कोई पर्टिकुलर नाम है तो ये नाम को ले सकते हैं कि भाई डॉट सेव, जस्ट कंट्रोल एस प्रेस कर देगा आपका। अब फाइल को ओपन कर लेंगे, क्लोज भी हमने कर लिया, फाइल को यहाँ पे ओपन करके क्लोज भी कर लिया। अब जैसे दो फाइल खुली है, मुझे एक फाइल से दूसरे फाइल पे जाना है, तो एक फाइल का डेटा कॉपी करके दूसरे फाइल पे पेस्ट करना है, तो दूसरे फाइल पे जाना तो होगा ना, तो दूसरे फाइल पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा वर्क बुक्स डॉ, यहाँ पे इन्वर्टर में बुक बुक टू बुक थ्री जो भी आपका एक्सटेंशन है वो दीजिए डॉट एक्टिवेट, राइट, एक फाइल से दूसरे फाइल पे चल जाता है।
राइट मैम? अब कुछ फाइल की डिटेल आपको चाहिए, जैसे मुझे फाइल का नाम चाहिए, पाथ चाहिए, ऐसी चीज़ें चाहिए, तो उस केस में क्या करेंगे, एक मैच आपको यहाँ पे होता है, जैसे कि एक्टिव वर्कबुक दे दीजिए, एक्टिव वर्कबुक या एक्टिव वर्कबुक या वर्कबुक फाइल नेम कब लेंगे तो पता चल गया ना, हर बार बताने की जरूरत तो नहीं ना मैम? नहीं, एक्टिव वर्कबुक तब लेंगे जब आपको फाइल एक्टिवेटेड है, नाम नहीं मालूम है, एक्टिवेटेड है फाइल, एक्टिवेटेड है, जो एक्टिवेटेड फाइल है, ऑलरेडी एक्टिव फाइल है, एंड वर्कबुक तब लेते हैं जब हमें उसको जी अब जब उसका नाम पता है हमें, हाँ जब उसका नाम पता है। और यहाँ पे वर्कबुक डॉट नेम हमने किया, अब इसने क्या किया, एक्टिव फाइल का नेम देगा, बट नेम को लेने वाला तो चाहिए, नेम रखेंगे कहाँ, कहीं ना कहीं होना चाहिए ना नेम, सेव होना चाहिए, तो इसको हम लोग तत्काल में वेरिएबल पे सेव कर देते हैं कि p इक्वल टू एक्टिव वर्कबुक डॉट नेम। अब p क्या है, ऐसे आप एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ ले सकते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में लेते हैं ना कि सपोज x इक्वल टू 100, अब जहाँ जहाँ 100 की जरूरत होगी तो वहाँ क्या किया आपने, x के यूज किया, उसे मैंने बोल दिया कि x इक्वल टू एक्टिव वर्कबुक डॉट नेम, अब मुझे जहाँ भी नेम की जरूरत होगा वहाँ पे हम x को यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मैसेज बॉक्स में नाम प्रिंट करवाना है तो एम एस जी बॉक्स एक्स, राइट, तो x यहाँ पे एक्टिव वर्कबुक डॉट नेम कर दीजिए तो नेम आएगा, फुल नेम कर दीजिएगा तो पूरा नाम और पाथ दोनों आएगा, पाथ चाहिए तो यहाँ पे पाथ लिखिए तो उसका पाथ आएगा कि इसका फाइल्स किस फोल्डर में सेव है, ये चीज़ है। अब इस कोड को आपको क्या करना है, टेस्ट करना है, लेकिन टेस्ट ऐसे नहीं होगा, एक एक करके माइक्रो बनाना होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया टी अंडरस्कोर टू टेस्ट टू, और टेस्ट टू में हमने क्या किया, वर्कबुक डॉट ऐड कर दिया, राइट अब मुझे उसको सेव भी करना है एक्टिव वर्कबुक को, तो इसको इसके अंदर रख देंगे, दो कोड इकट्ठा चलेगा, कुछ किसी पर्टिकुलर फाइल को सेव करना है तो यहाँ पे टेस्ट अंडरस्कोर थ्री और फिर आप तीसरे नंबर कोड को डालें, फिर इसको सेव करें, राइट मैम? तो अभी क्या करना है आपको, आपको अभी इस जितने भी मैंने वर्कबुक के बारे में बताए हैं कोड, इस कोड को अपने सिस्टम पे टेस्ट करना है और इसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी है, जैसे कि मुझे फाइल के ऊपर पासवर्ड लगाना है तो यहाँ पे एक्टिव वर्क बुक डॉट प्रोटेक्ट, सॉरी डॉट प्रोटेक्ट, और यहाँ पासवर्ड डाल दिया, लेकिन ये पासवर्ड कौन सा, रिव्यू के अंदर जो पासवर्ड होता है ना, प्रोटेक्ट वर्कबुक होता है उसको फॉलो करता है, जो स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है, ये वाली। मुझे ओपनिंग पासवर्ड लगाना है तो मुझे क्या लिखना होगा, मुझे यहाँ लिखना होगा यहाँ पे एक्टिव वर्कबुक डॉट पासवर्ड। अब पासवर्ड पे हैंड का निशान बना है ना, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी है, और स्पेस मारने पे भी नहीं आ रहा है तो यहाँ पे इक्वल लगेगा और ये हमने पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड नंबर में है इसलिए हम डायरेक्ट डाल दिया, अगर नंबर में टेक्स्ट होता, नंबर टेक्स्ट या टेक्स्ट होता जैसे 123@abc तो इसको इन्वर्टेड कॉमा में डालना होगा, ठीक है मैम? तो जुमना जी इसकी आप प्रैक्टिस करें, कल की क्लास में इससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट आपके साथ हम डिस्कस करेंगे।